हेलो गाइस, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर कह सकते हैं। आज वीडियो शूट करने का पूरा मजा किरकिरा हुआ। मैं थर्ड टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वजह यह है कि माइक है सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह आप लोगों को मोबाइल में पबजी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसी तरह मेरे मोबाइल में भी ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसकी आवाज़ नहीं हो पहुँच पा रही है। खैर, ये देखिए, इसके बाद शायद वॉइस पहुँच रहा होगा प्रॉपरली सा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पबजी को लेकर। पबजी जो भारत में शायद अनबैन होने की बातें खबर आ रही है, और कितनी बातें सही है ये, कितनी गलत है, मैं पूरी बात को आज के क्लियर करूंगा आपके लेकर, पबजी को लेकर। उसे वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलिए वीडियो आज के शुरू करते हैं। दोस्तों, पबजी के दो पहलू हैं। एक पबजी कॉरपोरेशन ए ब्लू होल्स कंपनी, और दूसरा टेंसेंट कह सकते हैं। मालिक तो पूरी नहीं है कंपनी की, बट दोस्तों वो कंपनी है टेंसेंट, जो पूरा एशिया में इसे फैलाया किया है। पबजी पूरे एशिया में अभी जो पॉपुलर हुई है, पूरे एशिया में भी चल रही है, या कह सकते हैं भारत में सबसे अधिक वर्क की है टेंसेंट ने ही, जो पबजी का इतना पॉपुलर किया है, पबजी मोबाइल का। अब ब्लू हेल्स जो है एक उसका मालिक है। अब ये है कि ब्लू हेल्स की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि टेंसेंट्स को उसका जो अधिकारित है, जो मत का उसका अधिकार है, उस पर हटा रहा है। मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि पूरा उसके पबजी कंपनी से ही निकाल दिया जा रहा है। ये है क्योंकि अब उसको तो पबजी कंपनी से नहीं निकाल सकता है, लेकिन हाँ, उसको ये है कि भारत में उसके काम करने से टेंसेंट को रोक रहा है। मतलब भारत में टेंसेंट अब काम नहीं करेगा। टेंसेंट मतलब कि अब यह है कि पबजी का वापस आने का भी चांस है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस ही और कुछ टेंसेंट्स भी थी जो चाइनीज कंपनी है। अब पबजी की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है कि जो पबजी है भारत में एक नया सर्वर से इसे किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और उस सर्वर से ही पता है कि अब भारत का जो सर्वर रहेगा तो मतलब पूरा जो डेटा होगा भारत में ही रहेगा, मतलब भारत से बाहर इसका डेटा नहीं जाएगा। मतलब पबजी प्लेयर जितने हैं उसके डेटा बाहर नहीं जाने वाले, ना चाइना जाने वाला ना चाइना के बाहर, पूरी तरह इंडिया में ही उसका सेफ रहेगा। अभी पूरी तरह डेवलप कर रही है, अब इंडियन गवर्नमेंट को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, और उससे पूरे रिसर्च करके पूरी तरह डेवलप करके अब इससे एक प्रस्ताव रखेगी इंडियन गवर्नमेंट के पास, तब उसे क्लियरिटी होगा, तब हो सके कि पूरी तरह जब अनबैन हो सकता है। अब पूरी तरह वर्क तो करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे भारत में अभी हादसे भी हो गए थे, कह सकते हैं वो सुन के थोड़ा हंसने का भी माइंड होता है, तो नहीं हंसने का होता है, ठीक है। रिएक्शन आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं अलग बात है, पबजी बहुत दिन से खेल रहे हैं, एक लत हो गया, लेकिन सुसाइड क्यों कर ले रहे हैं? सुसाइड का भी केस आया कि पबजी बैन हो जाने के बाद डिप्रेशन में हो, माँ बाप ने उसे खाने के लिए बुलाने गए तो लड़का वो सुसाइड कर लिया था। और हाल ही में यूपी की भी एक खबर निकल के आई थी कि एक कॉन्स्टेबल का लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फादर का गन लेके गया, और वो गया शूट उट कर दिया, सभी लोगों को चोटिल कर दिया। तो ऐसा नहीं करें, पबजी बैन हो गया तो बहुत सारे गेम है उसमें खेले, गेम खेलना है तो अब पबजी की से हो सके अनबैन भी हो सकता है, लेकिन पबजी से भी अच्छा गेम आ सकता है जो आप लोग सीख दे सकता है। अब पबजी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अनबैन हो जाए, बहुत सारे कन्विंस कर रही है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, ऐसी कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। पबजी यह है कि पबजी जो कि जैसे सारे बातें बोल रहा है, पबजी की तरफ से कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है, वो सारे बातें क्लियर कर देती है, तो पबजी भारत में अनबैन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।